अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सैयद मोहम्मद अब्बास एंड वेलकम अगेन टू एजी व्लॉग्स। आज का व्लॉग जो है बेसिकली एक आपको अच्छी चीज़ जो है ईरानियों की वो दिखानी है। अभी हम एक इमाम बारगाह या आप हुसैनिया कह लें उसमें बैठे हुए हैं, यानी कि एक मस्जिद कह लें, इमाम बारगाह कह लें, इनकी मस्जिद ही कह लें, तो उसमें बैठे हैं। और यहाँ पर इन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन का जो है सेटअप किया हुआ है, और इनका सेटअप देखें आप, वोमेंस जो हैं लेडीज़ उनके लिए अलहदा है, एक ही इमाम बारगाह उनके अलहदा लाइन है, और दूसरों के लिए यानी कि अलहदा है, मेल्स के लिए अलहदा है। और मैं और मेरी वाइफ जो इधर आए थे अभी, तो इनके पास 3-4 टाइप्स की वैक्सीनेशन पड़ी हुई है। एक तो ईरानियों की खुद की है बरकत वैक्सीनेशन वैक्सीन है, एक कोरियन है आई थिंक इनके पास, चाइनीज़ भी है, और एक इनके पास चाइनीज़ भी है। तो पहले जो है वो ये अभी यहाँ पे खारजियों को, पाकिस्तानियों को, अफ्रीकियों को, इनके जितने भी फॉरेनर्स हैं उनको भी लगा रहे हैं, तो ऐसा भी सेटअप इनके पास है। तो हमने क्योंकि पहले लगवाई हुई थी, तो ये इनका सेटअप मैं आपको ज़रा शो करता हूँ। यानी कि हर इन्होंने काउंटर्स बनाए हुए हैं, एक लाइन, दो लाइन, 3-4-5 लाइनें बनी हुई हैं, और 5 डिफरेंट तरह के यानी कि डॉक्टर्स आप कह रहे हैं या वो वैक्सीन लगवाने वाले लेडीज़ हैं उनकी रोज़ हैं वो लगा रही हैं, यानी कि कोई रश भी नहीं है, बड़े आसानी और स्मूथली जो सबको लग भी रही है। एक अच्छा सेटअप इन्होंने किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये सामने जो है लेडी एक बैठी है डॉक्टर, तो ये इसी तरह के इसके साथ वो काफ़ी दूर तक इसी तरह काउंटर्स बने हुए हैं, तो बाहर से वो आपको वेरीफाई करते हैं भी आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ईरान में एज अ स्टूडेंट हैं, या जो भी आपका पेशा आप क्या करते हैं यहाँ पे, तो आपको वेरीफाई कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो आपको लगा देते हैं वैक्सीनेशन की डोज जो है भी है ना, जो भी वैक्सीन आप लगवाना चाहें। मसलन ईरानियों की लगवानी है तो वो बरकत है, चाइनीज़ की लगवानी है, कोरियन की लगवानी है, तो इस तरह से इनके अलहदा अलहदा सेटअप है। और फिर ये साथ इस तरह का देते हैं, ये अब एक डोज लग गई है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वाइफ को लगी है ना एक डोज, तो ये ईरानी ये लिखा हुआ है वैक्सीनेशन ईरान बरकत, उसका नेम है बरकत। अब ये लग गई है इसको एक, अब नेक्स्ट जो 28 दिन बाद लगेगी, तो इस तरह से ये उसके साथ ये इन्होंने कुछ एहतियाती तदाबीर कह लें, जब आपने क्या खाना है ये आपकी ग़िज़ा का उन्होंने एक चार्ट भी आपको दिया है, अब आपने हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है खानी है, सारा फारसी पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर इस तरह से ये क्या है, हाँ ये एक कह लें वैक्सीन की इम्पोर्टेंस बताइए, अभी आपने वैक्सीन क्यों लगवानी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और ये चीज़ें हैं, तो ये इस तरह के सेटअप जो हैं ये अच्छे हैं। अब ये देखें इन्होंने इमाम बारगाह में, इमाम बारगाह कह लें, मस्जिद कह लें, उसमें ये इन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है, तो अच्छा है, बहुत अच्छा सेटअप है, ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह के देखें तो ये काउंटर्स बने हुए हैं सारे, और ये अंदर जाके ऐसे अंदर जाके ये जो सब्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं ना ब्लॉक्स इन्होंने बनाए हुए हैं, ये अंदर जाके लेडीज़ के लिए पर्दे का इंतज़ाम है, अंदर जाके वो लेडीज़ को लगा रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, आज का मकसद यही था आपको ये चीज़ दिखाने थी, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लाइक एंड शेयर करते रहें। खुदा हाफिज़।